हूँ। नमस्कार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से मैं नीता देवलिया आपका स्वागत करती हूँ हठ प्रदीपिका में वर्णित आसनों के क्रम में। अब जो अभ्यास करने जा रहे हैं वह तीसरा आसन वीरासन का अभ्यास है। वीरासन वर्तमान समय में अर्ध पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है जो अभ्यास प्रचलित है, परंतु ध्यान रहे जो अभ्यास आप कर रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, यह हठ प्रदीपिका में वर्णित किस प्रकार से विधि व सामान्य इसके लाभ व सामान्य सावधानियों सहित हम वर्णन करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जो आपने पूर्व में अभ्यास किया था दूसरा आसन व मुखासन का अभ्यास, वह भी वर्तमान समय में पैरों के साथ साथ हाथों की स्थिति, हाथों को बांधने की स्थिति से होता है जो वर्तमान समय में प्रचलित है इस प्रकार से। परंतु जो हठ प्रदीपिका में वर्णन है उसका वह केवल पैरों की स्थिति व हाथों की सामान्य स्थिति का वर्णन किया गया जो आपने अभ्यास किया। इसी प्रकार जो आप अभ्यास करेंगे वह अर्ध पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है, परंतु हठ प्रदीपिका में इसका वीरासन के नाम से वर्णन किया गया है। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करें। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए धनुरासन की स्थिति में आप आएंगे, कमर गर्दन खींची हुई और हाथ आपके कमर के बगल में। जिस भी पैर से आप सुविधाजनक महसूस करते हैं उस पैर को उठाकर दाएं पैर को उठाते हुए जैसे आप बाईं जंघा के मूल भाग पर रखेंगे इस प्रकार से ऊपर रखते हुए, और दूसरे पैर को सीधे लेकर आएंगे आप दाईं जंघा के नीचे। यह जो स्थिति है यह अर्ध पद्मासन की भी कहलाती है, परंतु हठ प्रदीपिका में वीरासन के नाम से इसका वर्णन किया गया है। अंतिम स्थिति में यह ध्यानात्मक आसन की स्थिति है। आप दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ज्ञान मुद्रा में लेकर जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद, यह आपकी अंतिम स्थिति है। यह अभ्यास आप सुविधापूर्वक 1 मिनट या अधिक लंबे समय तक भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह ध्यानात्मक अभ्यास है, आप इसमें ध्यान के अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। अभ्यास के पश्चात आप धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर जाएंगे। तो आइए इसके कुछ सावधानियां व लाभों को जानते हैं। यह आसन बहुत ही सरल आसन है, इसलिए इसमें ऐसी विशेष सावधानी नहीं रखनी, परंतु ध्यान रहे जब आप अपने पैर को मोड़कर जंघा के ऊपर रखेंगे आपके पैर पे हल्का सा खिंचाव आता है। उस स्थिति में यदि आप जंघा मूल पर ना रख सके तो आप जंघा के किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। इस प्रकार से जहां भी आप रख सकते हैं दूसरे पैर को आप जंघा के नीचे रख देंगे। इस प्रकार जैसा अभ्यास आप देख रहे हैं ये आप सावधानी रखेंगे करते हुए, और अगर आप भलीभांति कर सकते हैं तो आप इसकी अंतिम स्थिति में जाएंगे जंघा मूल पर रखते हुए। यह एक ध्यानात्मक अभ्यास है, इसलिए जो इसके लाभ हैं बहुत ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए उपयोगी आसन जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, साथ ही साथ यह आपके पैर में हल्का फुल्का लचीलापन लेकर आता है, आपकी कमर सीधी रखता है। तो इस प्रकार से हमने जाना ध्यानात्मक आसन का, वीरासन का अभ्यास किस प्रकार करना है। आप अंतिम स्थिति में प्रत्येक अभ्यास के बाद दोनों पैरों को सीधा करते हुए विश्राम की स्थिति में आएंगे। पूर्व में आप इस प्रकार दंडासन की स्थिति में थे, विश्राम की स्थिति में आप दोनों पैरों को खोलते हुए हाथों को कमर के पीछे लाते हुए गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे।